क्लास सिक्स साइंस चैप्टर फाइव सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फॉर क्लास सिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस सी प्योर सब्सटेंसेस एंड इमप्योर सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं सब्सटेंसेस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल वो होते हैं प्योर सब्टेंसेज वहीं इमप्योर इमप्योर सब्टेंसेज वो होते हैं सबटेंसेज विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल अपोजिट एक दूसरे से बात करते हैं हम एलिमेंट की एलिमेंट वो सबटेंस होता है जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ देखिए सब मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ वन मटीरियल वो सबेंस जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल से बना हो एक सब्टेंस का उसमें एलिमेंट होते हैं वेर एज कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है अ सब्टेंस फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट का फिक्सड रेटियो अ सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्टेंसेज दसेज इन लार्जर क्वान्टिटी इज द सॉल्वेंट एंड अदर इज द सॉल्यूट नाउ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ऑफ प्योर सब्सटें चलो यहाँ से शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन सो कुछ मेथड्स जिसमें हमको बता रखे हैं सेपरेशन से थ्रशिंग वेर एज हंड पे कहीं हेंड विनोइंग सीविंग मैग्नेटिक सेपरेशन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मैथड सरिमेंटेशन डी कैंटेशन फ्लोटिंग एंड फिल्टरेशन ठीक है

देन वी आर गोइंग टू सी सेलिमेंटेशन इसमें हम डिकेशन सेन हम लोडिंग फिल्ट्रेशन भी इसी में देखेंगे फिर आता है द क्लियर लिक्विड ऑफटेन कॉल्ड फिल्ट ओके फिर है सेपरेशन ऑफ़ इमेस्केबल लिक्विड हम देखेंगे देन सेपरेशन और सेपरेटिंग सोल्यूट नॉट सोलूट सॉल्यूबल इन सॉलवेंट ये भी देखेंगे सबसे पहले आता है हमारा थ्रशिंग तो देखो थ्रेशिंग क्या होता है थ्रेशिंग वो प्रोसेस होता है ग्रीन को जब हम हस्क देखो ग्रेन ग्रीन को जब हम हस या फिर शॉफ से सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं बीट करते हैं राइट ये ज़्यादातर मशीन या बुलक से होता है थ्रेशिंग हम तो इसमें हम थ्रेश करते हैं पीट करती हैं ठीक है ग्रेन्स को जो कि बोरे में होती है अब वही मैं बात करूँ आपके आप पहले तो ये देख लीजिए पीसेज ऑफ स्ट्रॉ जो भी होता है ना इम्प्योरिटीज या फिर अनवॉन्टेड जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें जैसे पीसेज ऑफ स्ट्रॉ वेस्ट मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेस ठीक है ये सब देन कम्स योर विनोइंग विनोइंग क्या होता है विनोइंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हैवियर कंपोनेंट्स को देखो जब हम हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को विंड से या फिर बाय ब्लोइंग एयर से सेपरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं विनोइंग ठीक है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग यहाँ पे आप बोल सकते हैं विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड ब्लोइंग एयर ठीक है अब बात आती है हैंड पिकिंग की हैंड पिकिंग बहुत इजी होता है हैंड पिकिंग में क्या होता है हम हाथों से जो वो होते हैं ना हाथों से पिक करते हैं हम हाथों से जो ग्रेन्स में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम पिक कर लेते हैं अपने हाथों से पिक कर लेते हैं उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग आर सीविंग क्या होता है सीविंग वो होता है सीविंग वो होता है जिस जो सीविंग क्या होता है बच्चों एक ऐसी सी चीज़ होती है ठीक है सीविंग में हम क्या करते हैं छानते हैं और किससे छानते है? हैं सीप से छानते हैं छलनी से छानते हैं इसमें हम क्या करते हैं सॉलिड को ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूंट्स देखिए द प्रोसेस बाय विच सेपरेट बाय विच वी सेपरेट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच डिफ़र इन देयर साइज जब हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं मतलब जैसे ग्रीन हाउस में जो इम्प्योरिटीज पेबल्स वगैरह होते हैं जब उनको हम सेपरेट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं सीविंग और वो किससे करते हैं हम छलनी से करते हैं ठीक है छानते हैं हम ठीक है और ये अलग अलग साइज़ के भी होने चाहिए डिफर साइज साइज वाइज अ इज़ अ डिवाइज विथ मैनी स्मॉल होल्स इन इट बिच अलाउ द स्मॉलर पार्टिकल्स टू फास्ट थ्रू देखो स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं सीविंग में देखो जो ब स्मॉल होल्स बहुत छोटे होल्स होते हैं एक्चुअली सीप में छलनी में राइट अब क्या होता है स्मॉलर पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको तो वो गुजरने देता है अपने सीप जो होता है अपने अंदर से गुजरने देता है लेकिन बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं उसको वो रोक लेता है सो दैट्स वे सेपरेशन हो जाता है ठीक है फिर आता है मैग्नेटिक सेपरेशन तो मैग्नेटिक सेपरेशन वो सेपरेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें जो चीज़ होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को थ्रू मैग्नेट सेपरेट करते हैं जैसे कि आयरन जो है आयरन को अगर हमने मिट्टी में डाल दिया तो हम क्या देखेंगे और हमने एक मैग्नेट ले लिया तो क्या हम मैग हम आयरन को फिर से उस जो सैंड है उसे सेपरेट कर, कर सकते हैं कर सकते हैं थ्रू मैग्नेट हम मैग्नेट को ऊपर ऐसे रख देंगे सारा जो वो सब होगा आयरन होगा वो ऊपर आ जाएगा उछल के मैग्नेट में चिपक जाएगा ठीक है तो ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव्ड ओवर सच अ मिक्सचर द मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक्स टू इट एंड इज रिमूविंग अब ए सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स ऑफ और सेपरेटिंग सोल्यूट सोलबल इन सॉल्वेंट अब इसमें आता है एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन तो एवेपोरेशन क्या होता है एवेपोरेशन वो होता है जिसमें लिक्विड का कन्वर्जन होता है वेपर्स में मतलब जो लिक्विड होता है जैसे वाटर है वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो फिर वेपर्स बन जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन जब वाटर जो है उसका हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे और इसी अब प्रोसेस को हम बोलते हैं एवेपोरेशन देन कम्स कंडेंसेशन अब कंडेंसेशन क्या होता है वही जो वाटर वेपर्स होते हैं जब इनको हम रिवा पर तो हो जाते हैं राइट वाटर वेपर्स जो होते हैं फिर ये फॉर्म कौ, कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं अगेन लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं जब वाटर वेपर्स लिक्विड की फॉर्म में आते हैं ऑन स्टेट एन कूलिंग इसको हम बोलते हैं कंडनसीशन अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन तो सेडिमेंटेशन होता है एक ग्लास लिया हमने उसमें पानी भरा हमने सैंड के अलावा या फिर कुछ दाल वगैरह सैंड वगैरह कुछ भी हमने डाला तो हम कुछ देर में ऑब्जर्व करेंगे कि सैंड या फिर जो भी आपका इन सोल्यूबल सब्टेंस है जो कि सोल्यूबल जो कि डिजॉल्व नहीं हो सकता वाटर वो नीचे बैठ जाएगा सेडिमेंट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं ठीक है और वाटर अपनी जगह में ही रहेगा वाटर एकदम क्लियर वापस से हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन अब डिकॉन्टेशन होता है वो जो वाटर है वो जो प्योर वाटर है जिसमें हमने देखा कि जो सैंड है वो नीचे बैठ गई अब उसको हम कैसे अलग करें तो हम क्या करेंगे हम उस पानी को दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर देंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकॉन्टेशन अब आता है लोडिंग द मेथर्ड्स वाई विच फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ आलम फिल्ट्रेशन इन द प्रोसेस द ठीक है तो लोडिंग होता है वो मेथड जिसमें फाइनर पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल्दी से सेटल हो जाते हैं यूज टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आला देन कम्स फिल्ट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इमप्योरिटीज़ जो होता है इमप्योरिटीज़ को और लिक्विड को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं हम वो सेपरेट कर सकते हो अब ये कैसे करते हैं थ्रू फिल्टर पेपर्स स्ट्रेनर से या फिर कपड़े से भी हम इनको कर सकते हैं ठीक है ज़्यादातर आप स्ट्रेनर से कभी कर सकते हैं चाहे तो ठीक है अब इस आप क्या करेंगे ग्लास लेंगे तो जो आपने डिका तो कर लिया लेकिन हो सकता है कुछ पार्टिकल्स तो रहेंगे अब उनको भी अलग करने के लिए आप क्या करेंगे फिल्टर करेंगे तो देखो ये कर आप ये लिया आपने और ग्लास अब आप ये ले लीजिए या फिर आपके एक स्ट्रेनर ले लीजिए ठीक है स्ट्रेनर में बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स नहीं बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं इतने छोटे होल्स होते हैं कि सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स ही उसके अंदर जा सकते हैं उसके अंदर से गुजर सकते हैं लेकिन बड़े पार्टिकल्स नहीं गुजर सकते हैं ठीक है तो ऐसे ऐसे ही हम फिल्टर भी कर सकते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड से ठीक है फिर क्लियर लिक्विड फिल्ट लेल्टर पेपर इज डोनिड्यू अब आता है आपका इमिस्बिल तो बच्चों इमिस्बिल क्या होता है हो कोई बात नहीं चलो आपका इमिस्केबल वो हो इमिस्केबल होता है वो लिक्विड्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते उनको हम इमिस्केबल बोलते हैं ठीक है थीके? चलो बात करते हैं फनल की तो फनल एक तो मेथड होता है जिसमें हम ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं उस उसी ही मेथड को हम बोलते हैं फनल फनल अब आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफिगेशन वो मेथड होता है जिसमें हम मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स को पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज एंड अ अवियर पार्टिकल सेटल डाउन एंड इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क ठीक है फिर आता है चर्निंग तो चर्निंग होता है जिसमें आप बटर को कर्ड से सेपरेट करते हैं आप उनको घुमाते जाते हैं घुमाते जाते हैं चीज़ होती है उस समय आप चर्न करते हैं ठीक है सो द मेथड विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन इन अ लिक्विड एग्जाम्पल बटर एंड फ्रॉम कॉर्ड ठीक है बटर फ्रॉम कॉर्ड अब आता है सेपरेटिंग सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूबल इन अ सॉलवेंट उसमें आता है आपका फ्लोटेशन एंड सिंकिंग मेथड तो फ्लो वो तो फ्लोटेशन मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर में तैरते हुए मतलब उन्हें हम बोलते हैं फ्लोटेशन और सिंकिंग मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर में सिंक करते हों डूब जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंकिंग मेथड्स ठीक है सो दिस मेथड इज़ एक मिनट दिस मेथड इज़ यूज दिस मेथड इज़ यूज वेन द कॉम्पोनेंट्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर एंड वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज लाइटर देन वाटर तो देखो फ्लोटेशन ज़्यादा तब होता है जब जो जो सब्टेंस होता है वो लाइटर होता हो लिक्विड से वाटर से तब वो फ्लोट करता है लेकिन अगर वो हैवियर हो वाटर से तो वो सिंक हो जाता है अब है सब्लीमेसन सब्लीमेसन होता है द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर कमिंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लीमेसन एक और चीज़ है जो कि इसमें शायद नहीं दे रखी है वो है आप जो कि आपकी बुक में दे रखी है वो है आपका सैचुरेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसमें आपको ये बता रखी कि इसमें आपको ये बता रखा है कि देखो जो वो होता है क्या बोलते हैं इनको आ, सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके वो भी पानी में लिमिटेड हो सकते हैं डिजोल्व अगर आप उनको भरते जाएंगे देखो आप अगर डाल रहे हैं थ्री टू फोर स्पूं आप डाल रहे हैं वाटर में कोई सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट या शुगर तो तब क्या होगा तब तो वो हो जाएगा डिजॉल्व लेकिन अगर आप डाल रहे हैं फाइव टू सेवन या फाइव टू सिक्स एंड फाइव ऑनवर्ड्स अगर आप डाल रहे हैं तो फिर वाटर में वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी वो सोल्यूबल सब्टेंस डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में वो बन जाएगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक है तो बस इतना ही था आपके इस वाले भी टॉपिक में तो आप था आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बस एक लास्ट चीज़ थी जो कि हम देख लेते हैं हस्क एंड स्टोन्स हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्राम बाय हैंड पिकिंग No हाँ, no कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार कैसे सॉल्ट तो बनता है सॉल्ट कौन कैसे करते हैं देखो तो, तो जो सी होता है ना सी आप जानते ही होंगे सी वाटर साइकिल के थ्रू जानेंगे तो आप जानते हैं वाटर आई मीन सी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है तो क्या होता है जो और सी होता है उसका जो पानी होता है वो वेपर्स में बदल जाता है जब वो वेपर्स में बदल जाता है ऊपर उड़ जाता है तो बचता है आपका सॉल्ट बचता है आपका सॉल्ट तो ऐसे ही आपको सॉल्व मिलता है तो ये था आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला टॉपिक जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल थैंक यू सो मच